और ये जो ममत्व है, देखिए ये जो ममता बनर्जी जी का ममता है वो केवल एक समुदाय विशेष के लिए होते जा रहा है। जो इनके टीपू सुल्तान मस्जिद के बरकती जी हैं, बरकती जी ने एक फतवा जारी किया कि जो प्रधानमंत्री के दाढ़ी काट लेंगे, बाल काट देंगे, और उस पर ममता जी कुछ नहीं बोल रही हैं। जब निहत्ते राम भक्त और हनुमान भक्तों पर तो लाठी बरसाती है, मगर ऐसे मौलाना जो फतवा देते हैं उस पर वो चुप रहती हैं। एक मास्टर जी थे मासूम काजी मासूम, उन्होंने जनगण मन गाया तो उनको पिटाई की गई मदरसा में, उस पर ममता जी ने कुछ नहीं बोला। आप बताइए, क्या उनका ममत्व, उनकी ममता केवल एक समुदाय के लिए है? दूसरों के लिए तो वो स्टेप मदर, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, सौत माँ, सौतेली माँ, कि ऐसी सौतेली माँ हम लोगों के लिए क्यों बन गई है? सबका विकास, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, मैं नहीं समझता कि वो हमारा कार्यकर्ता भी होगा, क्योंकि हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा बोल ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, भाजपा शांति में विश्वास करती है, इसलिए हम उससे अपने आप को दूर करते हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता तो विश्वास ही नहीं करता है हिंसा में, हम हिंसा के लिए कोई स्थान देते ही नहीं, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। कूच बिहार एक बहुत ऐतिहासिक स्थान इसलिए है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, मैं 24 घंटे काम करूंगा, और जो वर्षों तक सोल्यूशन जिन प्रॉब्लम्स का नहीं हो पाया था उनका मैं सोल्यूशन दूंगा। और उसका सबसे बड़ा अगर कहीं से आविर्भाव हुआ तो वो कूच बिहार से हुआ। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, इंडिपेंडेंस के पश्चात वो सॉल्व भी नहीं हुआ था, पहली बार मोदी जी की सरकार आई और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के माध्यम से इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो मैं कहूँगा कूच बिहार वो भूमि है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता ने कूच किया है, आगे बढ़ा है। मगर दुखद विषय यह है, जहाँ मोदी जी 24 घंटे एक करके काम कर रहे हैं, वहीं ममता जी उतना ही पीछे ले जा रही हैं। हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, जो लोग वहां से आए, जो भूमि हमारे पास आई, वहां पे क्या सड़क नहीं बनना चाहिए? वहां पर क्या बिजली नहीं पहुंचनी चाहिए? वहां पीने के जल के लिए क्या व्यवस्था की गई? आज सुनने में आ रहा है, जब मैंने पता लगाया, बातचीत की, तो वहां किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कोई काम बंगाल की सरकार ने नहीं किया है। और तो और, जो जमीन के पट्टे जो लोग वहां से आए उनको आवंटित होना चाहिए, वह भी नहीं हुआ है।